हेलो फ्रेंड्स, तो लीजिए फिर से मैं हाज़िर हूँ। मैं हूँ संगीता। आज एक ब्रेड की नई रेसिपी आपके सामने लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं। तो ब्रेड से जब कभी आपको कुछ अलग सा खाना हो तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 6-7 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं, उनको क्यूब्स में काट लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया इसको। और ये सबको बहुत ही पसंद आएगा ये नाश्ता, जो आप सुबह भी खा सकते हैं, शाम के टाइम भी बना सकते हैं इसको। और ये बहुत ही जल्दी आसानी से बन सकता है और लेस ऑयली है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगता, बहुत ही कम। तो ये सारी सब्ज़ियाँ हैं, मैंने चॉप किया हुआ है बारीक बारीक, कैप्सिकम, कैरेट है, टमाटो है, ओनियंस, गार्लिक और ग्रीन चिल्ली है। तो सब्जियां इसमें आप अपनी पसंद और टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। और आप इसे कैसे बनाया है मैंने, आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखें हमारी वीडियो को। तो ये जो मैंने ब्रेड्स को कट किया है क्यूब्स में, उनको बिना ऑयल के ड्राई वैसे ही सेक लेंगे इसे। आप चाहे तो ब्रेड को पहले भी तवे पे, नॉनस्टिक पैन किसी पे भी सेक सकते हैं, उसके बाद उसे कट करें, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसमें एक चम्मच के लगभग, एक टेबलस्पून के लगभग ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा इसमें। तो आप जब कभी कम ऑयल का बनाना चाहते हो, ब्रेड पकौड़े टाइप नहीं खाना चाहते, तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है और यमी है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। स्पाइसी तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ज़्यादा अगर खा सकते हैं तो ज़्यादा मिर्च डालें। तो ये देखिए, मैंने इसमें चॉप्ड ऑनियन डालने के बाद कैरेट डाल दिया है। सभी सब्जियों को सौते करेंगे। 5 मिनट रेसिपी है ये, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। और ये चॉप्ड है बारीक, तो सब्जियां भी पक जाती हैं बहुत ही जल्दी। कैप्सिकम डाला इसमें मैंने, आप चाहे जो भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। चॉप किए हुए टमाटोज, अब इसमें कुछ मसाले हम डालेंगे, क्योंकि ये स्पाइसी है, मसालेदार ब्रेड है, तो स्पाइस तो होना ही चाहिए। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला हमने, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हमने इसमें ग्रीन चिली डाला है ऑलरेडी, तो उसके अकॉर्डिंग आप डालें रेड मिर्च। और ये पाव भाजी का मसाला, तो इसे भरकर मैंने डाला है एक चम्मच अच्छे से। और इसमें सॉस डालेंगे, आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सॉस डाला है, एक दो क्लिपिंग्स मिस हो गई हैं, सॉस मैंने अच्छी तरह से इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून के लगभग। तो ये सभी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं सॉस को। अब ये रोस्ट किया हुआ जो ब्रेड है, ब्रेड के टुकड़े हैं, ये सभी को इसमें डाल के अच्छी तरह से मसाले कोट होने तक मिक्स करेंगे। अब ये दिख रहा है ना मसालेदार ब्रेड, बहुत ही टेस्टी यमी सा। तो आप इसे शाम को, सुबह, ब्रेकफास्ट में, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। और जब कभी भी आपको अलग टाइप का ब्रेड के कुछ बनाना है तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें, टेस्टी यमी, बहुत ही अलग बनकर तैयार होगा। और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर कोई नई रेसिपी लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होंगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।